नाज़रीन कराम, इस बात से तो आप वाकिफ हैं कि आज के इस जदीद दौर में यूरोपियन और अमेरिकन मुसलमानों से साइंसी आलूम के लिहाज से सदियों आगे निकल चुके हैं, लेकिन एक दौर था जब यूरोप और अमेरिका तारीकी में डूबा हुआ था और तमाम तर इजादात और दरियाफ्तें मुसलमान ममालिक में हुआ करती थीं और मुसलमान साइंसी और सकाफ़ती दरियाफ्तों के रोशन बाब तहरीर कर रहे थे। यूरोप वाले मुसलमानों के इस सुनहरी दौर को डार्क एजेस के नाम से याद करते हैं, जबकि दर हकीकत मुसलमानों के लिए ये दौर दरखशंदा और ताबां था। तो आइए दोस्तों, माजी की इन गलियों में झांकने की कोशिश करते हैं जिसने आज के इस जदीद दौर की बुनियाद रखी। दोस्तों, अगर मुख्तलिफ साइंसी कुतुब के अरबी में तराजुम की बात करें तो अब्दुल्ला अल मामून का नाम गिरदाना जाता है। खिलाफत अब्बासिया के सातवें खलीफा अब्दुल्ला अल मामून 107 हिजरी ब मुताबिक 786 ईस्वी में पैदा हुए। मामून के दौरे हुकूमत में दीगर जुबानों से अरबी में तराजुम का काम अरूज तक पहुंच गया था। अगरचे वो खुद साइंसदान नहीं था मगर साइंस में दिलचस्पी ज़रूर रखता था। मामून ने बगदाद और दमिश्क में बहुत सी रसदगाहें तामीर करवाईं और इनको बामे अरूज तक पहुँचाया। मिसाल के तौर पर बगदाद में चंदी शाहपुर और इस्कंदरिया की लाइब्रेरी काबिले जिक्र हैं। नाज़रीन कराम, मामून के साइंसी कारनामों की बात करें तो खलीफा मामून ने यूनानी मुसविदात को जमा करने का काम वसी पैमाने पर किया। इस्लामी दुनिया की सबसे पहली रसदगाह तामीर की। स्कॉलर्स और साइंसदानों की टीमों के मुश्तरका तआवुन से मामून ने बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स को न सिर्फ रकम मुहैया की बल्कि इनको नफ्स ब नफ्स सुपरवाइज किया। मामून ने ज़मीन का मुहीत मालूम करने का नया तरीका ईजाद करवाया। मामून के दौर में दुनिया के कोने कोने से आलिम, हर फन साइंसदान, तर्जुमा निगार, लिसानियात के माहिर तहकीकात के लिए मदऊ किए जाते थे। नेज इनके दौर में बगदाद मुतरजमीन के लिए मरकजी मकाम था, जहां शाम, इराक, ईरान से हिस्टोरियन, जैकोबाइट्स, साबेन, मजूसी और ब्राह्मण कौमियतों के तर्जुमा निगार वरफ्ता चले आते थे। ये सब लोग बैतुल हिक्मा, खजानतुल हिक्मा यानी लाइब्रेरी ऑफ विजडम में एक ही छत के तले काम करते थे, जिसका नाम बाद में बैतुल हिक्मा हाउस ऑफ विजडम रख दिया था। और मामून के दौर में ये साइंसी अकेडमी की शक्ल इख्तियार कर गया था। यहाँ तमाम साइंसदानों का साजो सामान और उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जाता था। ये इदारा उलूम अक्लिया यानी रियाजी, हैयत, तिब, कीमिया, इल्म हैवानियात, इल्म जुग्राफिया में आला तहकीक का मरकज था। इन उलूम की तहसील के लिए संस्कृत, यूनानी, पहलवी, सामी, नबातीन, लातीनी और दीगर जुबानों की किताबों को बतौर माखुज इस्तेमाल किया गया। इनमें अफलातून, फिसागोरस, अरस्तु, बकरात, अकलीदस, जालीनूस, चराका, सोशरुता, आर्या भट्टा और ब्रह्मा गुप्ता की किताबें शामिल थीं। मामून ने इन तमाम कुतुब के ना सिर्फ अरबी में तराजुम करवाए बल्कि इन पर तहकीक का काम भी किया। मामून रशीद बजाते खुद इस्लामी और अकली उलूम का जेद आलिम था और इसके अहद हुकूमत में फुकहा, मुहद्दिसीन, तारीख, फ़लसफ़ा, अदब, उलूम तबी, रियाजी, हैयत, तिब, इल्म नजूम, इंशा, शेर व अदब, नहू, लुगत, फ़न तामीर, मौसीकी और फ़न ख़ताती के ऐसे ऐसे अरबाब कमाल मौजूद थे कि दुनिया की तारीख शायद ही इनकी मिसाल पेश कर सके। खलीफा मामून की दूर अंदेशी, आलमों की कदरदानी और इल्मी तरक्यात के लिए इसकी मसाई और वालेहाना जज्बे से बगदाद बैनुल अक्वामी मरकज बन गया था। नाज़रीन कराम, खलीफा मामून के दोस्त मूसा शाकिर के तीन बेटे थे। तीनों भाई मोहम्मद, अहमद और हसन अपने अपने फन में ताक थे। इनका अजीम कारनामा ये था कि उन्होंने अरबिक स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की बुनियाद रखी थी और उन्होंने सबसे पहले खिलौने बनाए थे जिनको एग्जीक्यूटिव टॉयज भी कहा जाता है। इन तीनों भाइयों में से मोहम्मद की बात करें तो वो हैयत, अकलीदस और रियाजी का माहिर था। इसने अपनी बहुत सी दौलत साइंसी आलूम में मुख्तस की।
बहुत सी किताबों के मुतराजिम करवाए। इसने एक कीमियावी तराजू ईजाद किया जिसके जरिए कम से कम मिकदारों का वजन किया जा सकता था। इसने दो मिकदारों के दरमियान दो मुतनासिब मिकदारों को मालूम करने का आसान कायदा दरियाफ्त किया। मोहम्मद पहला साइंसदान था जिसने तजवीज किया कि चांद, सूरज और दीगर सियारे फिजिक्स के कवानीन के ताबे हैं, जिस तरह ये जमीन पर लागू हैं। इसकी किताब से पता चलता है कि इसको कशिश थकल की कुवत का इलम भी था। नाजरीन, अगर अहमद की बात करें तो वह इल्म हैयर का माहिर यानी मैकेनिकल इंजीनियर था। इसने 850 में किताबुल अहयाल मा तसावीर ज़ेबे करतास की, जिसमें 100 मशीनों के बनाने के तरीके बयान किए गए थे, जैसे चराग, हवा से चलने वाले फवारे, खुद ब खुद पानी भरने वाला तसला, फवारे और बर्तन, मुतअद्दद बर्तन पानी मापने, पानी भरने या वाइन से पानी निकालने के लिए थे। नाज़रीन, ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया का सबसे पहला रोबोट अहमद बिन मूसा ने बनाया था, यानी सबसे पहला रोबोट एक मुसलमान साइंसदान ने बनाया था। हसन बहुत ही अच्छा सिविल इंजीनियर और इल्मे हिंसा का माहिर था। इसने रियाजी के चंद ऐसे मसाइल को हल किया जिनकी तरफ किसी का जहन नहीं था। ज्योमेट्री के मिसाइल हल करने के लिए इसने बैजवी असूल का तरीका ईजाद किया। इससे पहले रियाजीदान सिर्फ दायरे के असूल से वाकिफ थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।